गाइस, तो हम जा रहे हैं कोलाबा घूमने। निहाल दीदी आइएगा उसमें। तो हम जा रहे हैं अभी कोलाबा घूमने और उसके बाद हम जाएंगे ऑफ इंडिया, फिर आपको दिखाते हैं। चलो फिर चलते हैं। हम हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, तो हम लोग पहले कोलाबा कॉजवे जाएंगे एंड देन बाद में घूमने के लिए आएंगे। चलो चलते हैं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ कोलाबा कॉजवे में। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरीज देखी आपको, वेस्टर्न इंडियन सारी ज्वेलरीज यहाँ पे मिल जाएंगी और कोलाबा कॉजवे ज्वेलरी के लिए ही फेमस है। गाइस मेरा गला ख़राब है, सॉरी मेरी ऐसी आवाज़ आ रही है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिल्वर ज्वेलरी से लेके गोल्डन ज्वेलरी सारी मिल जाएगी। ये झुमके हैं जिसपे मीनाकारी का वर्क किया हुआ है, आपको एक झुमकों में ही बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको 50 से लेके 1000-2000 तक ज्वेलरी मिल जाएंगी। और फिर यहाँ पे आपको टॉप्स, 300 के शॉर्ट्स, डेनिम जीन्स, जैकेट, ये सब भी देखने मिल जाएंगे। और नया नया पैटर्न यहाँ पे आता रहता है, तो ये मुझे क्रॉप टॉप बहुत अच्छा लगा, पर ऐसे मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया। बट देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, इसमें कलर्स भी अवेलेबल है एंड ये भैया के पास और भी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमें ये वेस्टर्न ज्वेलरी की शॉप दिखी, जहाँ पे फंकी ज्वेलरीज थी, छोटे छोटे मिनिमल ज्वेलरीज, ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल थे 100-100 रुपीज़ के अंदर। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं झुमके की भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और गाइज आप जिस शॉप पे जाएंगे, सब शॉप पे आपको कुछ अलग वैरायटी देखने मिलेगी। और यहाँ पे आपको झुमके और नेकलेस एक से एक मिल जाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक पर्स के शॉप पे आ गए, जहाँ पे ये मुझे कैमरा वाला पर्स बहुत अच्छा लगा। इसकी प्राइस कुछ 700 या 900 बोली थी वो भैया ने। एंड मुझे ये ऊपर जो पर्स है ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, इसकी भी सेम प्राइस थी। फिर गाइज यहाँ पे आपको इस तरीके के फुटवेयर्स भी मिल जाएंगे। सो मैंने 2-3 फुटवेयर ट्राई किए बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सो फिर यहाँ पे देख सकते हैं और भी पर्स की शॉप है। हर पर्स की शॉप पे आपको अलग अलग पर्स देखने मिलेंगे, बैग्स देखने मिलेंगे। मुझे ये वाला बैग अच्छा लगा और इसकी प्राइस मे बी 500 थी। गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप मिलेंगी पूरा स्ट्रीट पे, सो शॉप्स हैं, आपको कपड़े वपड़े भी मिल जाएंगे। मुझे ये पर्स भी बहुत अच्छा लगा, इसकी प्राइस 800 बोली थी उन्होंने, जो कि आपके इंडियन वेयर पे बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ऑसम है, ऑसम। फिर यहाँ पे एविलाई, ये 400 या 350 बोला था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैंने एक पहले ही ले लिया है तो इसलिए लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। महंगाई बढ़ गई। गाइज मैं यहाँ पे 2 साल के बाद आई हूँ और यहाँ पे चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मीन्स पहले जो चीज़ें 50 की मिलती थी, अब वो 100 की मिलने लगी है। ये इयररिंग भी देख सकते हैं कितना सुंदर इयररिंग है। एंड यहाँ पे आपको ब्रेसलेट्स, ये सब के भी वैराइटीज़ मिल जाते। फिर ये यहाँ पे हैंडबैग्स, ये सब भी 350 का था जो मैंने ये कलरफुल वाला देखा। देन आप ऐसे ही स्ट्रीट पे देख सकते हैं इस तरीके की शॉप्स लगी रहती है, आपको जस्ट वॉक करना है और आपको सब दिख जाएगा। आपको शॉप के अंदर घुसने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बाहर से ही सब दिख जाएगा। देन यहाँ पे शूज़, इस तरीके के शूज़ लगे हुए थे, तो ये शूज़ की प्राइस कुछ 900 थी। और यहाँ से मैंने 2-3 फुटवेयर ट्राई किए पर एक भी नहीं अच्छा लगा मुझे। देख सकते हैं ये उतना भी खास नहीं दिख रहा है, ये अच्छा लगा था पर इसमें साइज़ ही अवेलेबल नहीं थी। तो गाइस इस बार मैंने देखा कि कोलाबा में उतनी भी खास कुछ वैरायटी नहीं आई थी। ये सब आपको 100-100 रुपीज़ में से ये नेकलेस मिल जाते। फिर मैंने एक जगह पे और पता किया, ये एविलाई, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, इसके पहले जो देखा था वो ज़्यादा ऑसम था। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो आप देख सकते हैं इस तरीके की शॉप हमें देखने मिली। टी शर्ट्स, आपको प्लेन टी शर्ट,
मुझे लगा ये बच्चों का है बट ये बड़ों का ही है गाइस। तो ये देख सकते हैं मिक्की माउस एंड इस तरीके के टॉप भी आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। एंड देन थोड़ा और आगे जाने पे आपको पार्टी वेयर जैसे हमने कोलाबा कॉल से घूम लिया है, वहाँ से सिर्फ मैंने ये एक ब्रेसलेट लिया और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको शॉपिंग करने आए नहीं थे, जस्ट ऐसे ही घूमने आए थे। तो चलो अब चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो सामने हमें ताज होटल दिख रहा है जिसमें हम जाके भी चाय पीने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना।